कैप्टन सरकार द्वारा कर्ज माफी के चुनावी वादे से पलटने के रोष में सात किसान संगठनों द्वारा पटियाला में दिए जाने वाला धरना समाप्त हो गया है, जिसके बाद किसान गांव मेहमतपुर से भवानीगढ़ की ओर एक रैली के रूप में रवाना हो गए। किसानों के अनुसार वह सरकार को 27 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं, या तो उनकी मांगे मान ली जाएं, नहीं तो अगला संघर्ष इससे भी कहीं बड़ा होगा और फिर सरकार कुछ भी करे वह नहीं रुकेंगे। किसानों ने कहा कि भले ही उनका धरना आज खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों के बीच जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने आज पराली को आग लगाई है। सरकार ने पराली को आग लगाने से मना किया हुआ है। अगर वह हमारे खिलाफ केस करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन वह खेतों में पराली को आग लगाते रहेंगे। गौरतलब है कि पंजाब के साथ किसान संगठनों की तरफ से 22 सितंबर से पटियाला में चल रहे कर्ज मुक्ति मोर्चा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के गांव गुरुम इकाई के प्रधान मेजर सिंह गुरुम के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा काफिला गांव गुरुम से पटियाला के लिए रवाना हुआ था।